सो गाइस, ये है गॉडेस कैफेटेरिया का एपिसोड 4। सो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ओका, रिहो और हयातो को देखते हैं। वो सभी कैफे में अपना अपना काम कर रहे थे और तभी वहाँ पर जो शीरा गीकू थी वो बोलती है कि हमारे कैफे में कुछ ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके कैफे में कस्टमर्स आना धीरे धीरे कम हो रहे थे। एंड उसके बाद हम एमी चैन को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस करने लगती है फाइटिंग की, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही कस्टमर रह गई थी। एंड उसके बाद जब शाम होती है तो वहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं होता। वहाँ पर अकाने चैन हयातो से पूछती है कि हमारे पास तो अभी कोई कस्टमर्स भी नहीं है। तो तभी हयातो बोलता है कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें कैफे रीओपन किए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। सो अकाने उससे पूछती है तो फिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। सो हयातो उससे बोलता है कि मेरे जितने भी स्टॉक्स थे वो सब बर्बाद हो गए हैं, मेरी सारी इन्वेस्टिंग खत्म हो गई है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। सो अकाने उससे पूछती है तो फिर तुम हमें पेमेंट कैसे देने वाले हो, हाँ? और तभी यहाँ सीन बदलता है और अगले दिन हयातो उन सभी लड़कियों से बोल रहा होता है हम एक डिटैचमेंट करने वाले हैं ताकि हम आने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकें। सो उसकी बात सुनकर ओका को कुछ समझ नहीं आता और उन दूसरी लड़कियों को भी सही से कुछ समझ में नहीं आता। सो हयातो उनसे बोलता है कि हमें इस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के सैटरडे एंड संडे वाले दिन एक स्टॉल खोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर ओका बोलती है तो सही सही बोलो ना कि हम यहाँ पर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। सो हयातो बोलता है कि हाँ, क्योंकि कैफे को बंद रखना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। और जो लड़कियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि फेस्टिवल जाने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और मैं हमारी यूनिफॉर्म्स को थोड़ा स्प्रिंग वर्जन का कर दूंगी। तभी शिरागी कुसेन बोलती है कि हमें ना एक नए मेन्यू के साथ वहाँ पर जाना चाहिए। सो हयातो बोलता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ कॉफी के भरोसे ही वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, हमें हमारे सरप्राइज अटैक के लिए एक नया वेपन तैयार करना होगा। उसकी इस तरह की बातें सुनकर ओका बोलती है कि सही सही बोलो, तुम क्या कोई मिलिट्री ऑफिसर हो, हाँ? उसके कुछ देर बाद हम शिरागी कुसेन को देखते हैं जो कि कुछ नई तरह की कुकीज बनाने का ट्राई कर रही थी और वहाँ पर हयातो भी होता है और वो हयातो से ये भी बोलती है कि वो उन कुकीज में चेरी ब्लॉसम वाइन मिलाएगी। सो उसकी बात सुनकर हयातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या, और वो बोलता है कि क्या शराब। सो शिरागी कुसेन बोलती है कि जब हम इसे कुक करते हैं तो शराब भाप बनकर उड़ जाती है और ये बच्चों के लिए भी सेफ है, लेकिन हयातो यहाँ पर बच्चों के बारे में नहीं बल्कि शिरागी कुसेन के बारे में ही सोच रहा है कि उसकी शराब पीने के बाद क्या हालत हो जाती है। तभी वहाँ पर रियो सेन आती है जो उनसे पूछती है कि क्या वो कोई मदद कर सकती है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो लोग कुकीज बनने के बाद उसके टेस्ट एंड कलर के बारे में बातें कर रहे थे। सो तभी रियो सेन उनके पास आकर उनसे बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। सो हयातो उसे साफ साफ मना कर देता है। सो तभी रियो सेन बोलती है कि मैं जल्दी सुबह उठकर तुम्हारी मदद करने के लिए आई और तुम मुझे यूजलेस समझते हो, हाँ? सो हयातो बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद हयातो बात को संभालते हुए बोलता है कि मैंने सोचा है कि जब हम फेस्टिवल जाएंगे ना तो तुम इस कैफे के इंचार्ज रहोगी क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। उसकी ये बात सुनकर रियोसन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे ये कहकर चली जाती है कि तुम कैफे का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। एंड उसके बाद शिरागी कुसेन कुकीज में कुछ नया टेस्ट ऐड करने लगती है और वो हयातो से बोलती है कि पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ कैफे में तुम्हारे साथ कभी काम करूंगी। तभी हयातो बोलता है तुम्हारा मतलब जब ग्रैंडमा तुम्हें मेरे बारे में बताया करती थी, हाँ? मेरे कहने का मतलब मैं तो टोक्यो यू में पढ़ने के लिए चला गया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कैफे का बिजनेस संभालूंगा। एंड वो यहाँ पर शिरागी कुसेन की कुकिंग की भी तारीफ करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी कुकिंग की पढ़ाई की है। सो शिरागी कुसेन उसे बताती है कि बचपन में उसे कोई चीज बहुत इंस्पायर करती थी कुकिंग के लिए और वो उसे ये भी बताती कि बचपन में वो अपने पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाया करती थी, वहाँ पर एक चीज उसे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल होती थी। हयातो उससे पूछता है कि क्या कोई फूल पत्ती, सो बताती है कि नहीं, कुछ और बेहतर, वो स्मेल बिल्कुल तुम्हारे पसीने की तरह थी। सो उसकी बात सुनकर हयातो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सो तभी शिरागी कुसेन बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तभी वो हयातो को गले लगा लेती है। ये देखकर हयातो उससे बोलता है कि तुम कोई मजाक नहीं कर रही थी। उसके बाद शिरागी कुसेन हयातो से बोलती है कि जब कोई औरत किसी आदमी के पसीने को स्मेल करती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एंड उसके बाद वो हयातो की टी शर्ट को उतारने लगती है। सो हयातो सोचता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। सो तभी उसे याद आता है कि कुकीज में तो एल्कोहल मिली थी, मतलब ये उस भाप बनी हुई शराब से इतनी ज्यादा नशे में आ गई। लेकिन तभी वहाँ पर रियो सेन आ जाती है जो उन्हें देखकर बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम नए मेन्यू का तो सिर्फ बहाना बना रहे हो, असल में तुम किकू चैन को शराब पिलाकर उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हयातो उसे समझाने की कोई कोशिश करता लेकिन किकू चैन उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और तभी वहाँ पर रियो सेन भी हयातो की टी शर्ट को खींचने लगती है।
तभी यहाँ सीन बदलता है और हम एमी चैन को फेस्टिवल वाली यूनिफॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर रियो सैन उसे और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी एमी चैन इतनी अच्छी ड्रेस को देखकर बोलती है कि तुम सच में एक बहुत अच्छी डिजाइनर बनोगी युका चैन। सो तभी युका चैन भी एमी चैन से पूछती है कि आखिर उसके कैरियर को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो बोलती है कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस बनूंगी। ओका पूछती है कि क्या पुलिस ऑफिसर? हाँ। वो बोलती है कि नहीं, मैं हर एक चीज की पेट्रोलिंग किया करूंगी और जहां पर भी मुझे बुरे लड़के दिखेंगे तो मैं उन्हें अपने पंचे से बहुत पीटूंगी। और तभी एमी चैन ओका से बोलती है कि क्या वो कुछ ऐसा कर सकती है जिसकी वजह से जो ये चेरी ब्लॉसम वाला हेयर बैंड है वो एक मिसाइल की तरह लॉन्च हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर हयातो आ जाता है और वो उगा के पास आकर उससे उस हेयर बैंड को ले लेता है। तभी वहाँ पर बिना कपड़ों के शिरागिको सेन भी आ जाती है, जो ऐसे ही हयातो के पास जाने की कोशिश करती है। सो हयातो उसकी चेस्ट पर वो हेयर बैंड लगा देता है। हयातो की ऐसी जादूगरी देखकर शिरागिको सेन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एमी चैन और ओका चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी एमी चैन हयातो के बैड बॉय बोलकर एक पंच मार देती है, जिसकी वजह से हयातो हवा में उड़ जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने हयातो से पूछती है कि क्या उसे नए मेन्यू में कोई आइटम मिला। हयातो बोलता है कि कुछ भी नहीं मिला। सो तभी अकाने चैन उससे बोलती है कि वैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास एक स्प्रिंग टाइम कुकीज की एक रेसिपी है जो मैंने और ग्रैंडमा ने साथ मिलकर बनाई थी, क्या तुम्हें चाहिए? हयातो उससे बोलता है कि प्लीज मुझे ये रेसिपी दे दो। एंड उसके बाद हमें फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है, जहां पर ओका, हयातो और एमी आ गए थे। और वहीं दूसरी तरफ शिरागिको सेन जब नशे की हालत से उठती है तो वो अपने चेस्ट पर उस हेयर बैंड को देखकर बोलती है कि आखिर मेरे साथ इस तरीके का मजाक किसने किया। एंड उसके बाद हम हयातो और एमी चैन को देखते हैं जो अपना अपना काम कर रहे थे। तभी हयातो एमी से पूछता है कि आज तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। सो एमी चैन बोलती है कि मुझे ना इस न्यू यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तभी वहाँ पर एक अंकल और एक आंटी आ जाते हैं जो उनके लिए कुछ खाने को लाए थे। सो बिजली की रफ्तार के साथ एमी चैन उनसे उस खाने को ले लेती है। हयातो उससे बोलता है कि जरा अच्छे से बिहेव करो। एंड उसके बाद हयातो उन दोनों से बोलता है कि मुझे माफ कर देना जो हमने अपनी दुकान आपकी दुकान के बगल में लगाई। सो वो दोनों बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी ग्रैंडमा ने हमारी बहुत मदद की है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हयातो एमी से पूछता है कि क्या ये ओका चैन यहाँ पर सोने के लिए आई है। सो तभी एमी चैन ओका के मुंह में स्टीम टूना बन टूसने लगती है। सो हयातो से बोलता है कि अरे ऐसा मत करो वरना उसका दम घुट जाएगा। और हम देखते हैं कि बेचारी ओका की जो हालत है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन अगले ही पल में ओका चैन उन दोनों से पूछती है कि क्या मैं सो गई थी। सो हयातो बोलता है कि हाँ काफी टाइम से सो रही हो। सो तभी ओका चैन बोलती है कि तुम मुझे सोते हुए क्यों देख रहे थे। हाँ। और वो एमी चैन से ये बोलती है कि आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। हाँ। सो तभी हयातो ओका चैन से बोलता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा काम तो है नहीं, सो अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो। सो ओका बोलती है कि नहीं, मैं अपना मुंह धोने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हम बाथरूम के बाहर ओका चैन को देखते हैं जो खुद से बोलती है कि चलो हमें काम करना है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो वहाँ एक बंदे से टकरा जाती है और वो एक तीन छपरी लोगों का ग्रुप था। तभी हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़कियाँ सारा का सारा काम बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी और फेस्टिवल की वजह से आज उनकी दुकान पर काफी कस्टमर्स भी आ रहे थे। तभी यहाँ सीन बदलता है और हम हयातो को देखते हैं जो एमी से पूछता है कि आखिर ओका अभी तक आई क्यों नहीं। सो एमी बोलती है कि कहीं वो बाथरूम में तो नहीं सो गई। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि ओका को तो वही छपरी लोग अब परेशान कर रहे हैं। और तभी ओका हयातो के पास आकर उसे बोलती है कि तुम देख क्या रहे हो, हाँ मुझे बचाओ। सो तभी हयातो उन छपरियों से बोलता है कि ये लड़की मेरे लिए काम करती है, सो क्या आप लोग कहीं और जा सकते हो। सो उन तीन में से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी उम्र तो काफी कम लगती है, आखिर तुम कितने साल के हो। सो हयातो उनसे बोलता है कि मैं 18 साल का हूँ। और वो उनसे ये भी बोलता है कि क्या आप कहीं और जा सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। सो तभी वो लोग हयातो पर भड़कने लगते हैं। एमी हयातो से पूछती है कि क्या वो इन्हें सबक सिखा दे। हयातो बोलता है कि नहीं। लेकिन तभी वो लोग एमी चैन के साथ भी छिड़खानी करने लगते हैं। सो तभी वहाँ पर वो अंकल आकर उनको बताते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। और वो आंटी भी आ जाती हैं और वो भी बोलती हैं कि हाँ, और लड़की को छेड़ने की वजह से तुम्हें अच्छी खासी जेल भी होगी, जिसकी वजह से वो तीनों घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो वहां से जाते हुए ये भी बोलते जाते हैं कि इनकी कॉफी तो बेकार होगी। तभी वो अंकल आंटी हयातो के पास आकर उससे बोलते हैं कि ऐसे लोग तो यहाँ पर आते ही रहते हैं, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ओके, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुम हमें कॉल करना, ओके। सुन की बात सुनकर हयातो उन्हें थैंक्स बोलता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उन बाकी लड़कियों को ये बात पता चलती है कि आज हयातो और उनके साथ क्या हुआ, तो बोलती है कि एमी चैन तुम्हें उन्हें पीटना चाहिए था। तभी हयातो बोलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है और हमें ऐसे ही काम करना जारी रखना है। और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। और इसी खूबसूरत रात के बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हयातो, एमी और ओका अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके दुकान के सामने तो काफी भीड़ लगी है।
और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पूरी दुकान टूट फूट गई है, उनका पूरा का पूरा सामान किसी ने खराब कर दिया है। ओका बोलती है, मुझे पूरा यकीन है जरूर से ये उन्हीं लड़कों ने किया होगा, कि उनमें से एक लड़का फूबासेन का पोता था। और दोस्तों, फूबासेन वही भुट्टा है जो हयातो की दादी की हमेशा बेइज्जती किया करता था। तभी जो अंकल होते हैं वो हयातो से बोलते हैं कि तुम्हें ये साफ करके एक और बार अपनी दुकान लगा लेनी चाहिए। और जो आंटी होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सो तभी आया तो बोलता कि नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो वो लोग हमारे साथ साथ आपके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हयातो, एमी और ओका अपना बाकी का सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो ओका होती है वो वहाँ पर रुकती है और हयातो से माफी मांगते हुए बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा पीछा करके वो लड़के हमारी दुकान तक आ गए थे और ये मेरी गलती है कि मैं काम के वक्त वहाँ पर सो गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। सो तभी हयातो ओका से बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम सारी रात जागती रही उन यूनिफॉर्म्स को और भी अच्छा बनाने के लिए। सो तभी ओका बोलती है लेकिन मेरी वजह से हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तभी हयातो बोलता है कि मैंने कहा कि हम अपनी दुकान बंद करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम हार मान लेंगे। उसके बाद आया तो बोलता है कि मैं किसी नुकसान के साथ तो अपनी जिंदगी नहीं जीने वाला, इसीलिए ओका मुझे हमारे कैफे टेरेक फैमिलिया के काउंटर अटैक में तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने बोलती है कि वो तीनों यहाँ पर कितनी ज्यादा जल्दबाजी में आए। सो तभी वहाँ पर योसेन आकर बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हयातो सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद हम स्टोर रूम में एक कार्ट को देखते हैं जिसे ओका ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सजा दिया था। और हयातो हमें ये बताता है कि इस कार्ट का इस्तेमाल मेरी दादी कैफे खुलने के पहले किया करती थी और ये है कैफे टेरेक फैमिलिया टाइप 0। उसके बाद आया तो एमी से बोलता है कि इस कार्ट में सारा का सारा सामान रख दो और वो ओका से ये बोलता है कि वो रियोसेन से कह दे कि वो हमारे सोशल मीडिया पर इस कार्ट के बारे में एक पोस्ट डाल दे कि हमारा कैफे टेरेक फैमिलिया टाइप 0 आ रहा है। एंड उसके बाद वो तीनों हो जाते हैं रेडी अपने नए दिन की शुरुआत के लिए। उसके बाद हयातो एमी से बोलता है कि मेरे पास एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। उसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाम हो गई है, जहाँ पर उनकी गार्ड के पास काफी सारे कस्टमर्स आ रहे थे। ये देखकर ओका हयातो से बोलती है कि आखिर हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं। सो हयातो बोलता है कि ये सब रियोचैन की वजह से है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर मिल रहे हर एक पर्सन को पोस्ट करके रिप्लाई दे रही है। सो तभी ओका बोलती है लेकिन जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उतना सामान नहीं है हमारे पास। सो तभी वहाँ पर आ जाती है एमी चैन एक बैग में बहुत सारी कुकीज का सामान लेकर और वो यहाँ से दौड़ते हुए गई और दौड़ते हुए आई। उसके बाद आया तो एमी के पास आकर उसे बोलता है कि तुमसे ये काम कराने के लिए माफ कर देना। सो एमी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझ में बहुत पावर है। और वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन ओका की ड्रेस और उस कार्ड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि ये कितनी अच्छी सजी हुई है। सो तभी हयातो वहाँ पर आकर बोलता है कि इसने ही उन्हें डिजाइन किया है, ये फ्यूचर में एक डिजाइनर बनना चाहती है। हयातो की बातें ओका को बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद उनकी दुकान ऐसे ही चलती रहती है जिसकी वजह से रात हो जाती है और रात के वक्त वो उस कार्ड को खींच कर वापस घर ले जा रहे थे जिसमें उनकी काफी ज्यादा एनर्जी लग रही थी। तभी अचानक रास्ते में उन्हें वही छपरी लोग मिल जाते हैं और वो उस कार्ड को देखकर बोलते हैं कि तुम लोग कभी सीखते नहीं हो, वहाँ तुम्हारी दुकान एक बार तो टूट चुकी है लेकिन फिर भी तुम लोग इस तरीके से बिजनेस कर रहे हो। उनकी बातें सुनकर हयातो तो उनके पास जाकर उनसे बोलता है अच्छा तुम्हारी दुकान तुमने तोड़ी थी। और वो उनसे ये भी बोलता है कि दूसरों की चीजें तोड़ना एक क्राइम है। जिसके बाद फूबासेन का ग्रैंडसन, हाँ यही है, वो हयातो में एक पंच मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी हयातो उनसे बोलने लगता कि सेक्शन 1 आर्टिकल 36 ऑफ द पैनल कोड के तहत हम अपने बचाव के लिए दूसरे पर अटैक कर सकते हैं अगर कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तब। तभी एमीचन हवा में उड़ते हुए आती है और उन तीन में से एक छपरी पर किक मार देती है। उसके बाद एमीचन बोलती है कि मेरा काम बुरे लोगों को सबक सिखाना और ये सब सेल्फ डिफेंस हो रहा है क्योंकि तुमने पहले हयातो पर अटैक किया। उसके बाद एमीचन दूसरे छपरे में भी किक मार देती है जिसकी वजह से वो भी धराशाही हो जाता है। लेकिन तीसरी छपरी पर अटैक करने से ही पहले एमीचन बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाती है और ये देखकर हयातो भी समझ जाता है कि ये सब उसके इतना ज्यादा दौड़ने की वजह से हुआ है। इतना अच्छा मौका पाकर फूबासेन का ग्रैंडसन एक लकड़ी का डंडा उठाकर एमीचन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एमीचन अपने हेयर बैंड में से दो मिसाइल लॉन्च कर देती है जो उसकी आंखों में घलते हैं। ये देख ओका और हयातो दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे। उसके बाद एमीचन उस लड़के में शोरियुकेन नामक पंच मारती है। उसके बाद हयातो उससे पूछता है कि आखिर ये था क्या। सो एमी बोलती है कि ये ओका ने मेरे लिए बनाए थे, इससे हम मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और ये फूल नहीं मिसाइल्स हैं। उसके बाद वो तीनों छपरी फिर से एकजुट होते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हयातो उनसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा सामना एमीचन के साथ हुआ, ओका के साथ नहीं, वो हमारे
कैफे की सबसे ज्यादा खतरनाक गैंग लीडर है एक लेजेंडरी फीमेल मैड डॉग ओकाचैन। एंड वहां आया तो ये भी बोलता है कि अगर ओकाचैन तुम्हें एक किक मार देती तो उसके बाद तुम लोग मारे जाते और हमें तुम्हें बगल वाली ही नदी में फेंकना पड़ता। सो तभी ओका बोलती है कि मुझे एक मैड डॉग बुलाना बंद करो। हयातो की बात सुनकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से बहुत तेजी से दौड़कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हयातो बोलता है कि अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। ओका उसके पास आकर उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। सो हयातो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुमसे लड़ाई ना करे तो इसका बेस्ट तरीका है कि तुम उन्हें ये एहसास दिला दो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम उन्हें एक चुटकी में ही हरा दोगे। एंड वहां पर हयातो ने उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी। तभी ओका हयातो से पूछती है कि आखिर तुमने उन्हें खुद को मारने क्यों दिया, हाँ अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती फिर। सो तभी हयातो बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग हमारी कार्ड को नुकसान पहुंचा सकते थे। और वो ओका से ये भी बोलता है कि तुमने इस कार्ड को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उसकी ये बात सुनकर ओका यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस टाइप की हो जाती है और यहाँ पर उनकी इस खूबसूरत रात का एंड होता है। सो अगर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर सीरीज के दूसरे एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख लेना। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे जाना और प्लीज हमें सपोर्ट करना। इंडिया एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।